नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पालतू घोड़ी के साथ अप्राकृतिक कृत्य, घोड़ी की मौत, एक गिरफ्तार, एक फरार। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमलाई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पड़ोस में रहने वाले दो युवकों ने पड़ोस की पालतू घोड़ी के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। इस दौरान घोड़ी की मौत हो गई, जिसकी शिकायत थाने में की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला कायम कर एक को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं इस घटना का मुख्य आरोपी फरार है। अमलाई थाना क्षेत्र के बटुरा ग्राम में रहने वाली ननभैया वासुदेव के पालतू घोड़ी को पड़ोस में रहने वाले पंकज वासुदेव व उसका साथी लोकनाथ वासुदेव ने घोड़ी के गले में रस्सी बांधकर अप्राकृतिक कृत्य किया। इस दौरान घोड़ी के गले में बंधी रस्सी के दबाव के चलते घोड़ी की मौत हो गई। इस दौरान किसी काम से ननभैया बाई घर के बाहर निकली तो देखा कि उनकी घोड़ी के साथ लोकनाथ गलत कृत्य कर रहा है और पंकज घोड़ी के गले में रस्सी का फंदा पकड़ा हुआ था और घोड़ी मृत अवस्था में रस्सी के फंदे में फंसी हुई थी। हो हल्ला करने पर दोनों मौके से भाग निकले। मामले की शिकायत थाने में की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 377, 429, 34, 11 एवं 12 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला कायम कर पंकज को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी लोकनाथ फरार है, जिसकी तलाश अमलाई पुलिस कर रही है। शहडोल से हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। कल दिनांक 5/9/20 को ग्राम बटूरा से जानकारी मिली थी कि ग्राम बटूरा में पंकज वासुदेव वह लोकनाथ और खलासी वासुदेव एक पालतू घोड़ी के साथ अप्राकृतिक काम वासना किए हैं। घटना के दौरान घोड़ी की मृत्यु हो गई फांसी फंदे से। सूचना पर धारा 377, 429, 34 भादावी एवं 11/12 पशु क्रूरता अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी पंकज वासुदेव को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाता है।